हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केटू एकेडमी पर। आज हम लोग एएनएम जीएनएम का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन का सेट है वो ए है, चार सेट में आता है, ए बी सी और डी, जो कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो टाइप ए का है। तो हम लोग इसी का आज सॉल्यूशन करेंगे। और इसको में देखें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का क्वेश्चन। तो चलिए नीचे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का। फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किस कारक पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है? तापमान पर, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या फिर चालक में विद्युत पर। तो यहाँ पे बतलाना है कि किस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चालक में विद्युत पर निर्भर नहीं करता, तापमान पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 5 कूलम के आवेश को चलाने के लिए कितने कार्य किया जाता है? यहाँ पे देखना है कि कितने कार्य किया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वो किताब में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी किताब में, कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी बराबर किया गया कार्य डब्लू बटा आवेश होता है। ये आपको बुक में भी इसका फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको सॉल्यूशन करके याद कर लेंगे, बाकी आपको सिर्फ फार्मूला भर याद करना है। तो यहाँ पे हम लोगों का आवेश पूछा है, तो यहाँ पे देखिए आवेश बराबर होता है क्यू बराबर आवेश होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू बराबर यहाँ पर हम लोग का कार्य पूछा है डब्लू बराबर, यहाँ पर देखिए हम लोगों का कार्य पूछा है डब्लू बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा W कार्य बराबर भी हो जाएगा यहाँ पे गुना क्यू, भी गुना क्यू। भी का मान हम लोगों को यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट दिया है और क्यू का मान 5 कूलम दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सिंपल सा 10 वोल्ट गुना 5 कूलम यानी कि 50 जूल इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 50 जूल ऑप्शन नंबर सी पर। देखें सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे फार्मूला भर याद करना है, बाकी आंसर यहाँ पे रटने से कोई भी फायदा नहीं होगा। बाकी यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ओम बराबर क्या है? इसको भी हम लोगों को रटना नहीं है, बस हम लोगों को फार्मूला इसका देख लेना है। इसका फार्मूला क्या होता है वही हम लोग देखेंगे, बाकी हम लोगों को यहाँ पर याद हो जाएगा। आप लोगों को ओम के नियम याद होगा, ओम के नियम मालूम ही होगा कि भी बराबर आई आर और एक ओम पूछा है। ओम किसका प्रतिरोधक होता है? प्रतिरोध का होता है ऐसा ही मात्रक ओम, प्रतिरोध यानी कि आर। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आर हो जाएगा आर बराबर भी बटा आई, यहाँ पे देखिए आर यहीं पर आ जाएगा और आई जो है वो भी के नीचे चला जाएगा बटा में, तो आर बराबर भी बटा आई। अब यहाँ पे आ गया प्रतिरोध यानी कि एक ओम बराबर यहाँ पे भी जो है वो वोल्ट है, भी जो है वो वोल्ट है, यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा और आई जो होता है वो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, तो भी 4 वोल्ट हो जाएगा और आई से एम्पियर हो जाएगा यानी कि वोल्ट बटा एम्पियर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी पे, एक वोल्ट बटा एक एम्पियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस आप लोगों को ओम का नियम याद रखना है, भी बराबर आई आर, बाकी आपको ये सब रटने से कोई भी फायदा नहीं होगा। आप आज रटेंगे कल भुला जाएंगे, फिर से रटेंगे फिर भूल जाएगा, लेकिन आपको फार्मूला याद रख लेना है भी बराबर आई आर। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? आप लोग एक बार बतला दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, 0.5 एम्पियर की एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 20 मिनट तक खींची जाती है, तो परिपथ से गुजरने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश की मात्रा, आवेश को क्यू से बोलते हैं और जो आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है और वो भी 20 मिनट में। कैसे निकालेंगे इसके लिए जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे फार्मूला होता है। यहाँ पे आप लोग को पहले भी बतला है कि जो विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेश प्रवाह की दर Q बटा T, Q
क्यू फोर आवेश होता है और टी से समय होता है। आई बराबर क्यू बटा टी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और हम लोग उसे यहाँ पे पूछा है आवेश बराबर। तो यहाँ पे देखिए क्यू होता है आवेश, क्यू बराबर हो जाएगा आई गुना यहाँ पे टी हो जाएगा, आई टी, आई टी हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर की 20 मिनट है, मिनट को सेकेंड में बदलना होगा तो सेकेंड में बदलने के लिए 20 को 60 से गुना करना होगा, 60 सेकेंड से। तो यहाँ पे इसका गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे टी बराबर। और आई बराबर कितना दिया हुआ है, आई बराबर देखिए 0.5 दिया है तो क्यू बराबर होता है यहाँ पे आई टी, और आई बराबर 0.5 दिया है और टी बराबर हम लोगों को यहाँ पे 1200 आया। अब इसको हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे तो हम लोगों का यहाँ पे 600 कूलम आ जाएगा, 600 कूलम आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, समझ में आया तो बतला दीजिए सभी लोग, सभी लोगों को समझ में आ गया तो बतला दीजिए। और बस आप लोगों को यहाँ पे फार्मूला याद कर लेना है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी होता है, मेन फार्मूला यहाँ पे है, बाकी इसी फार्मूला से हम लोग इसको जनरेट किए हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, आप लोग बतला दीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और यह जो क्वेश्चन है वो 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी है और इधर हिंदी में भी है, आपको जो पसंद आए उसको में आप लोग देख सकते हैं। मानव नेत्र पे रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब वो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा यानी कि रियर एंड इन्वर्टेड यहाँ पे बनता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, ओम, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर या फिर प्रति ओम प्रति मीटर। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग निकालते हैं फार्मूला से। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि प्रतिरोध आर बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखते हैं आर बराबर जो फार्मूला यहाँ पे आर समानुपाती होता है एल अपॉन ए के। ये फार्मूला आप लोग ज़रूर देखे होंगे, आप लोग ये फार्मूला ज़रूर किए होंगे। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो हमारा इस चैनल पर डेली एएनएम जीएनएम का क्लास चल रहा है, उसको आप लोग क्लास को डेली देखिए। अब हम लोग यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो आर बराबर यहाँ पे रो का चिन्ह आ जाता है, इसी को प्रतिरोधकता बोलते हैं, रो बराबर रो एल इंटू ए हो जाता है, एल बटा ए हो जाता है। ए जो होता है वो क्षेत्रफल होता है एरिया, और एल जो होता है वो लंबाई होता है, और ए जो रो है इसी को हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग यहाँ पे जनरेट करते हैं इसका जो होता है रो बराबर हम लोग का आ जाएगा आर को जो ए से गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो आर ए हो जाएगा और एल जो है वो नीचे बटा में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बस आप लोगों को देखना है जो आर का होता है, आर प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ए जो है वो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, बटा यहाँ पे एल लेंथ है जो कि लंबाई है और लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, यही देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक है। अब हम लोग देखिए एक मीटर से यहाँ पे एक मीटर काट देते हैं, सिर्फ हम लोगों को पास यहाँ पे देखिए बचता है ओम और यहाँ पे मीटर, ओम मीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी पे दिया हुआ है ओम मीटर। कितना ईजी है, अगर हम लोग फार्मूला से इसको निकालते हैं तो बहुत ईजी है, और अगर हम लोग इसको रटते हैं तो याद नहीं होने पाएगा वैसे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है तो आप लोग अभी तुरंत इस क्लास को आप लोग लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, जब वस्तु को एक अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब खाली स्थान पर बनता है। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में अंदर की तरफ झुका हुआ ऐसा रहता है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, और यहाँ पे बोला है कि हाँ यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर है, और यहाँ पे जो दर्पण के मध्य होता है वो पोल होता है, और यहाँ पे बोला कहाँ कहाँ ध्रुव यानी कि पोल और मुख्य फोकस के बीच। यहाँ पर देखिए हम लोगों का है मुख्य फोकस,
मुख्य फोकस यहाँ पे है और ध्रुव यानी पोल यहाँ पे है। इन दोनों के बीच अगर दर्पण हम यहाँ पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हम लोग देख लेते हैं। एक आता है यहाँ पोल पर जो कि इधर चला जाता है और इसको वर्चुअली इधर लाते हैं पीछे, और एक यहाँ सेंटर से जाता है, इसको भी जाता है तो यहाँ पे वापस आ जाता है, तो इसको भी वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब पीछे बनाते हैं। यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पे देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दर्पण के पीछे हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। बाकी हम लोग पूरा क्लास डिटेल में कर रहे हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा या फिर आप लोग डेली आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के नाम से, और हम लोग डेली यहाँ पे डीप में क्लास कर रहे हैं पूरा एमसीक्यू के माध्यम से, पूरे हम लोग क्लास करने वाले हैं वो भी एमसीक्यू के माध्यम से। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, बाहर की ओर जिसका वक्रित होता है उसको उत्तल दर्पण, और अंदर की ओर जैसे यहाँ पे देखें ये है अंदर की ओर वक्रित, इधर जो पेंट किया हुआ है बाहरी, और अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की है वह अवतल दर्पण होता है, अंदर की जो होता है वह अवतल दर्पण, और एक होता है इस तरह से उत्तल दर्पण जो कि बाहर की ओर वक्रित होता है। ऊपर वाला जो है यह उत्तल दर्पण है और यह अंदर की जो है वह अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा है कि बाहर की ओर वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, अंदर की ओर होता तो अवतल दर्पण हो जाता। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए कि उत्तल लेंस को खाली स्थान भी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अभिसारी लेंस को यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और अपसारी लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम लोग याद करने का सिर्फ एक यहाँ पर देखिए याद कैसे करना है, यहाँ पर देखिए यह है उत्तल लेंस, यह है उत्तल लेंस, यहाँ से हमारा यह है मुख्य फोकस, अगर यहाँ से हमारा आता है कोई रेखा तो यहाँ पे कन्वर्ज करके एक बिंदु पर कर देता है, एक बिंदु पर यहाँ से ला देता है, यह कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस यानी कि अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर यही होता है अवतल अवतल लेंस होता तो डाइवर्ज कर देता, इसको फैला देता है बिखार देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और इसको अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, सिंपल सा यही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, सितारों का चमकना खाली स्थान के कारण है, बादलों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जल के बूंदों के द्वारा प्रकाश का प्रसारण, या फिर तारों के रोशनी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो यहाँ पे देखिए जो सितारों का चमकना यानी कि तारा जो चमकते हैं रात में वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण चमकते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण चमकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि तीन प्रतिरोधक 1 ओम 2 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तीनों प्रतिरोधक का संयुक्त प्रतिरोध होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनते हैं कि श्रेणी क्रम में है और एक क्वेश्चन बनते हैं समांतर क्रम में, और दोनों ही बेहद इजी है। यहाँ पे देखिए अगर जो श्रेणी क्रम में बोलता है तो इसको सिंपल सा जोड़ देना है 1 + 2 + 3, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, यहाँ पे हो जाता है 6 ओम। अगर जो हमारा बोलता है कि श्रेणी क्रम यानी कि श्रेणी क्रम जो होता है वो एक ही सीधी रेखा में होता है, एक सीधी रेखा में होता है इस तरह से, और यहाँ पे समांतर क्रम में बोला है तो समांतर क्रम में जो हो जाएगा वो इस तरह से होता है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में भी इजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समांतर क्रम में भी हम लोग को जोड़ना है लेकिन उल्टा करके, जैसे नीचे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इस तरह से हम लोगों को जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना है, तो हम लोगों को इस तरह से जोड़ना है। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 + 3 + 2 यानी कि 6 × 3 = 9 और 2 = 11, 11 / 6 यहाँ पे आएगा, और बस यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट होता है, और इसको हम लोग को अंतिम में पलट देना रहता है, जितना भी आता है इसको हम लोगों को पलट देना रहता है। तो 6 / 11 आया है, इसको बस हम लोगों को 11/6 को पलट के 6/11 कर देना है और यही आपका आंसर आ जाता है। इसको हम लोग काटेंगे तो 0.5
0.5 कुछ ऐसे आएगा, यानी कि एक से कम आएगा, एक ओम से कम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक ओम से कम। बेहद ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए एक विद्युत चुंबक का क्रोड क्या होना चाहिए। विद्युत चुंबक का जो क्रोड है वो सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि मृदु आयरन, मृदु लोहा होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट यानी कि मुलायम होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनित्र यानी कि जनरेटर, इसको जनरेटर बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में जनित्र बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं इसको। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो 2022 में भी आया हुआ है और 2023, 2022 और 2023 दोनों में आया हुआ यह क्वेश्चन है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत, परिपथ में जो विद्युत होता है वो भारी रूप से बढ़ जाता है, यानी कि जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इसका में प्रतिरोध बिल्कुल जीरो हो जाता है, R बराबर जीरो हो जाता है और I होता है वो हाई हो जाता है, भारी रूप से बढ़ जाता है, I एकदम हाई हो जाता है। यहाँ तक I जो है वो विद्युत धारा को बोलते हैं, I विद्युत धारा को बोलते हैं जो कि हाई हो जाता है, यानी कि इंक्रीजेज हैवली, भारी रूप से बढ़ती है विद्युत धारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, और एक क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है, और बाकी इसका पीडीएफ जो आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम पर हम दे देंगे, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, या फिर आप लोग सर्च कीजिएगा K2 Academy, आपको मिल जाएगा वहाँ पर डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि तांबे के एक आयताकार कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो प्रेरित विद्युत की दिशा खाली स्थान में परिवर्तित होती है तो आधा घूर्णन में परिवर्तित होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ये वाला जो पेज है वो अच्छा से फोटो नहीं आ पाया है इसलिए आप लोग हल्का सा देख लीजिएगा, ब्लर है हल्का सा, लेकिन हम यहाँ पर बोल देते हैं, एक नेत्र लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन खाली स्थान के कारण होता है तो सिलियरी मांसपेशियां के कारण होता है परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि परिपथ आरेखों में एक प्रतिरोध आर का प्रतिरोधक को दर्शाने वाला चिन्ह, यहाँ पे प्रतिरोधक जो होता है आर जो है प्रतिरोध उसको इस तरह से दर्शाते हैं, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, लेकिन अगर हम लोग से यहाँ पे सेल यानी कि बैटरी पूछ दे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैटरी, ऑप्शन नंबर जो बी है वह कुंजी यानी कि कुंजी इसको बोलते हैं, कुंजी यानी कि स्विच इसको बोलते हैं स्विच, और ऑप्शन नंबर सी है जो है प्रेरकत्व है, और ऑप्शन नंबर डी जो है प्रतिरोध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है, विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है वो आई आर स्क्वायर है और कैसे है हम लोग इसको भी अभी देखते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे शक्ति का जो फॉर्मूला होता है पी बराबर होता है वी आई, शक्ति का फॉर्मूला होता है पी बराबर वी आई, अगर जो हम लोग वी की जगह पर यहाँ पर देखिए वी की जगह पर हम लोग मान रखते हैं आई आर, भी बराबर आई आर होता है ओम के नियम से आप लोगों को बतला है और यहाँ पे गुना आई पहले से ही है तो एक और फार्मूला निकल कर आता है आई स्क्वायर आर, एक और फार्मूला यहाँ पे हम लोग का निकल कर आता है आई स्क्वायर आर, एक देखिए भी आई हो गया, दूसरा फार्मूला आई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आई आर स्क्वायर, एक है भी आई, दो फार्मूला हो गया, तीसरा फार्मूला है भी स्क्वायर बाई आर, ये कहाँ से आया इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए पी बराबर जो है वो भी आई है, इसी फार्मूला से एक और फार्मूला हम लोग यहाँ पे जनरेट करते हैं ओम के नियम से ही, देखिए यहाँ पे भी को रहने देते हैं ऐसे ही और जो आई है इसको हम लोग रखते हैं, देखिए भी बराबर आई आर ओम के नियम, आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर, आई बराबर भी बटा आर, तो यहाँ पे देखिए भी को ऐसे ही रहने देते हैं और आई बराबर भी बटा आर, और भी से भी में गुना करेंगे तो भी स्क्वायर और बटा में आर नीचे है
देखिए ऑप्शन नंबर डी। कितना इजीली यहाँ पे फार्मूला, हम एक फार्मूला बस हम लोगों को याद है कि पी बराबर वी आई होता है, और इसी से हम लोग ओम के नियम का मान रखकर यहाँ पे तीन फार्मूला क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्लियर, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो नहीं होगा। बाकी इसके अलावा शक्ति का जो फार्मूला है ये तीनों है, आई स्क्वायर आर वी आई और वी स्क्वायर बटा आर, ये तीनों फार्मूला शक्ति का है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, बहुत ही कम लाइक है, आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और चैनल पर जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे डेली, क्योंकि ANM GNM के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है। चलिए इसको बतलाइए, 1 mV बराबर होता है, 1 mV बराबर 10^-3 वोल्ट हो जाएगा, 10^-3 वोल्ट। अगर 1 μV यहाँ मिली की जगह अगर माइक्रो रहता, माइक्रो वोल्ट, तो 10^-6 हो जाता। मिली है तो 10^-3, अगर माइक्रो होता तो 10^-6 हो जाता। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं पर नेत्र लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करते हुए फोकस कर सकता है, यह खाली स्थान के कारण होता है। तो यह जो है वो समायोजन के कारण होता है, समायोजन के कारण अपनी लंबाई को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, फोकल लंबाई को समायोजित कर सकता है, यह होता है समायोजन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए, किसी दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोध यानी रेसिस्टिविटी इसके खाली स्थान पर निर्भर करता है, इसकी मोटाई पे, इसकी आकृति पे, पदार्थ की प्रकृति पे, या फिर इसकी लंबाई पर, किस पर निर्भर करता है, मतलब ये किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और एक अगला क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दो युक्तियों, दो बिंदुओं ए और बी के बीच समांतर में जुड़ी है, तो इन बिंदुओं के बीच अपरिवर्तित रहने वाली भौतिक मात्रा क्या है, यानी कि इस तरह से अगर ये जुड़ा हुआ है तो कौन है जो कि अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जो परिवर्तित नहीं होता है, क्या वह विद्युत है, वोल्टेज है, प्रतिरोध है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर ये समांतर क्रम में दिया है तो समांतर क्रम में वोल्टेज अपरिवर्तित होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज अपरिवर्तित होता है, लेकिन अगर यहाँ पे श्रेणी क्रम में दे दिया, इस तरह एक लाइन में श्रेणी क्रम में होता है, अगर श्रेणी क्रम में दे दिया तो क्या अपरिवर्तित होगा, अगर श्रेणी क्रम में दे देता है तो विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी कि आई अपरिवर्तित रहता है, और समांतर क्रम में वोल्टेज अपरिवर्तित रहता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपका आने वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, चुंबक के भीतर क्षेत्र की रेखाएं खाली स्थान चलती है, चुंबक के भीतर और चुंबक के बाहर, यहाँ पे देखें यह है चुंबक, चुंबक में एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। अगर चुंबक के बाहर पूछा होता तो चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, और लेकिन चुंबक के अंदर अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ तो चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और चुंबक के अंदर जो है वो दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कूलाम खाली स्थान का ऐसा ही कहें, कूलाम जो है वो आवेश का ऐसा ही मात्रक है, इसको हम बतलाए थे, आवेश को क्यू से बतलाते हैं हम, इसको बतलाए थे पहले ही, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, और अब की बार जो क्वेश्चन है वो श्रेणी क्रम में यहाँ पे है, वहाँ पे श्रृंखला यानी समांतर क्रम में था, यहाँ पे श्रेणी क्रम में है, 10 ओम, 40 ओम और 30 ओम प्रतिरोधक श्रृंखला यानी कि श्रेणी क्रम में है, एक ही लाइन में है। यहाँ पे देखिए 10 ओम, 40 ओम और 30 ओम, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। हम वहाँ पे भी बतलाए थे अगर श्रेणी क्रम में है तो सिंपल सा जोड़ देना है यहाँ पे 10 ओम
प्लस 40 प्लस 30 यहाँ पे जोड़ देना है, 40 और 10 50 और 30 80, 80 ओम हो जाएगा। लेकिन हम ये भी आपको बतलाए थे, अगर जी मान लीजिए कि समांतर क्रम में दे देगा तो समांतर क्रम में 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/30 हो जाएगा, और जो भी आपका आंसर आ जाएगा उसको अंतिम में उलट देना रहता है, यानी कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, वही आपका आंसर हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर शायद 41 में वो क्वेश्चन था, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम था, जो इसका मान आया था 1 से कम, याद होगा आप लोगों को। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए लेंस सूत्र है, एक आता है दर्पण सूत्र, एक होता है दर्पण सूत्र और एक होता है लेंस सूत्र, ये दोनों याद रखना है। लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f, और दर्पण सूत्र में बस हल्का सा अंतर होता है, 1/v प्लस यहाँ पे होता है 1/u = 1/f, बस हल्का सा का अंतर होता है, बस यहाँ पे प्लस और माइनस। अगर जे यहाँ पे लेंस है तो माइनस, अगर यहाँ पे दर्पण होता तो यहाँ पे बीच में प्लस हो जाता है, बस इतना सा ही फर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोटॉन की कौन सी विशेषता एक चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त घूमने पर परिवर्तित होती है, तो वह है वेग, वेग हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन का नियम खाली स्थान पर लागू होता है, केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, या फिर आकृति के निरपेक्ष सभी दर्पण में। परावर्तन के नियम जो होते हैं वो सभी, जो आकृति के निरपेक्ष सभी दर्पण पे, सभी तरह के दर्पण पे लागू होता है परावर्तन के नियम। अगला क्वेश्चन है, और यह देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो कि फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, कि प्रकाश खाली स्थान में सबसे तेज चलता है, जल, कांच, वायु और हीरा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिया है इसके अनुसार वायु हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में बदलाव आता है तो आंसर में भी बदलाव आएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर समय वायु में ही तेज होता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसको में आप लोग मार सकते हैं। अपवर्तनांक देखिए ये चारों ऑप्शन में से सबसे कम अपवर्तनांक वायु का ही है, हवा का ही है, और सबसे ज़्यादा तेज हवा में ही चलेगा। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसी में प्रकाश सबसे तेज चलता है। तो यही था फिजिक्स का क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नीचे केमिस्ट्री का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कुछ पदार्थ जिसका गंध क्षारीय या अम्लीय माध्यम में बदल जाता है वे खाली स्थान संकेतक कहलाता है, यानी कि जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है वह कैसा पदार्थ होता है, वह ग्रहणीय पदार्थ उसको बोलते हैं, यानी ओल्फैक्ट्री इंग्लिश में उसको बोलते हैं ग्रहणीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया से गैस मुक्त होती है, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया से खाली स्थान गैस मुक्त होती है, वह कौन सा गैस है जो कि धातु के साथ अभिक्रिया करता है अम्ल, तो कौन सा गैस मुक्त होता है। यहाँ पे देखिए अगर जो धातु जो है वह अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त होता है, यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे लवण बनाता है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोनियम आयन है HO2- H+ H3O+ या फिर OH-। तो हाइड्रोनियम जो होता है वो H3O+ होता है, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोनियम जो होता है वो H3O+। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इसका नाम बतलाना है, इसका क्या नाम है। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है आखिरी में CHO यहाँ पे, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का है, और आप लोगों का यहाँ पे एक ट्रिक बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिक जो है, एल्डिहाइड ग्रुप में AL लास्ट में लगा होता है, AL लगा होता है, एल्कोहल ग्रुप जो रहता है उसको में OL लगा होता है, इसी तरह कीटोन में ONE लगा होता है, यहाँ पे देखिए कीटोन में ONE लगा होता है, यहाँ पे OL लगा होता है एल्कोहल में, और यहाँ पे देखिए AL एल्डिहाइड में, और इसका नाम हो जाएगा
प्रोपेनल, यहाँ पे देखिए प्रोपेनल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनल। इसके बाद देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बिच्छू के डंक में खाली स्थान होता है, बिच्छू के डंक में, या फिर एक और है चिट्टी, चिट्टी के डंक में, चिट्टी के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल होता है, बिच्छी के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। उपस्थिति पदार्थ की मात्रा का आकार पर जो विशेषताएं निर्भर नहीं करती है उन्हें क्या कहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उपस्थिति पदार्थ की मात्रा या फिर आकार पर जो विशेषता निर्भर नहीं करता है उसको प्रबल विशेषता कहते हैं, प्रबल विशेषता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से निकाले गए अयस्क सामान्यतः बड़ी मात्रा में अशुद्धियाँ से प्रदूषित होती है जिन्हें क्या कहते हैं, जिसमें अशुद्धियाँ होती है उसको गैंग कहते हैं, गैंग, ऑप्शन नंबर डी, गैंग कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, और यह भी क्वेश्चन जो है वो NCERT में दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर, गैंग इसको बोलते हैं। आदर्श गैस का समीकरण है, आदर्श गैस का क्या समीकरण है इसको बताइए। इसको देखिए यहाँ पे PV बराबर होता है NRT, PV बराबर NRT, और इसी पर बस सही क्रम में हम लोगों को सजा देना है। जैसे मैं देखिए ऑप्शन नंबर ए पे देखिए R बराबर PT/NV, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है उसको मैं दिया है R बराबर हो जाएगा PV/NT हो जाएगा, PV/NT जो कि गलत है, R बराबर PV, यहाँ पे देखिए R है और ये जो N और T है वो इधर आ जाएगा भागा में, तो PV/NT ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग देखिए, PV/NRT पर सॉल्व करने पे R को एक तरफ करते हैं और PV को एक तरफ और NT को एक तरफ, तो PV/NT आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का, एक बार बतला दीजिए, यहाँ तक आप सभी का क्लियर है एक बार बतला दीजिए। चलिए क्लियर है। खाली स्थान का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे तीन तरह के आते हैं, CnH2n+1, एक CnH2n-1 और एक CnH2n। तो सबसे पहले जो है वो CnH2n-2 को देखते हैं, अगर CnH2n-2 है तो एल्केन है, अगर CnH2n है सिर्फ तो एल्कीन है, CnH2n है तो एल्कीन है, और CnH2n+2, एक CnH2n+2 है तो वह एल्काइन है, एल्काइन हो जाएगा, एल्काइन इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, अगर CnH2n+2 है तो एल्केन, CnH2n-2 है तो एल्काइन हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा बोला गया था, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, प्लस माइनस का यहाँ पे बहुत ही झमेला है, यहाँ उल्टा बोला गया था, यहाँ पे देख लीजिए, अगर CnH2n-2 है तो वह एल्काइन, अगर +2 है तो वह एल्केन है, अगर प्लस या माइनस कुछ भी नहीं है सिर्फ CnH2n है तो वह एल्कीन है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, अगर CnH2n-2 है तो वह एल्काइन है, CnH2n+2 है तो वह एल्केन है। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी एल्कीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए कि CH4+Cl2 यहाँ पे क्या बनाता है, CH3Cl+HCl, यह अभिक्रिया खाली स्थान की उपस्थिति में होती है। यह अभी NCERT में दिया हुआ है, तो यहाँ पे NCERT से ही क्वेश्चन आता है अधिकतर, अधिकतर नहीं बल्कि यहाँ पे 90% क्वेश्चन NCERT से ही आता है, एक दो क्वेश्चन रहता है जो कि इधर उधर से आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ए वाला क्वेश्चन जो है वो NCERT में नहीं दिया है, यह जो क्वेश्चन है वो 11th के NCERT में दिया है। देखिए यहाँ पे यह जो है वो सूर्य के प्रकाश हो जाएगा इसका राइट आंसर, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में यह अभिक्रिया होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चिप्स निर्माता
चिप्स की थैलियों में खाली स्थान जैसे गैसे डालते हैं ताकि चिप्स को उपचयन से बचाया जा सके, तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस N2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन गैस। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान पर हरा आवरण संक्षारण का एक उदाहरण है। अगर हरा आवरण बोला तो तांबा, काला आवरण बोलता तो यहाँ पे चांदी हो जाता, और भूरा आवरण जो है वह लोहा पे, लोहा पर होता है भूरा आवरण, चांदी पर होता है काला आवरण, और तांबा के ऊपर हरा आवरण हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि हाइड्रोजन गैस को गर्म CuO पर से गुजारा जाता है तो पृष्ठ पर काला आवरण खाली स्थान में परिवर्तित हो जाता है, तो भूरा में परिवर्तित हो जाता है, काला आवरण भूरा यानी कि ब्राउन में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता और सीसा खाली स्थान से भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और ये जो क्वेश्चन है इसका तांबा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये हम क्वेश्चन ANM GNM का जो हम फ्री में क्लास YouTube पर करा रहे हैं उसको में भी बतलाए थे। क्लियर, जो लगभग 3.4 के सारणी है, सक्रियता सारणी, उसी को हम सारणी को लाए थे स्क्रीन के सामने आप लोगों को, और बतलाए थे कि देखिए ये सक्रियता श्रेणी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और जस्ट वही क्वेश्चन है, हम वहाँ पे कराए थे और आपको बतलाए भी थे कि 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 के क्वेश्चन यह आया हुआ है, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और देखिए आप लोग यहाँ लाइव प्रूफ 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है 100%। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए हल्का सा ये पेज जो है ब्लर हो गया है लेकिन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, हम बोल देते हैं। खाली स्थान एक ऊष्मोत्सर्जी अभिक्रिया, ऊष्मोत्सर्जी यानी कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको ऊष्मोत्सर्जी अभिक्रिया बोलते हैं, तो यहाँ पे श्वसन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, श्वसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान सर्वाधिक तन्य धातु है, तो इसका सोना हो जाएगा, इसका सर्वाधिक तन्य धातु जो है वो सोना हो जाएगा। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यह अभी क्वेश्चन याद रखना है, इसको भी याद रखना है। अगला यहाँ पे है, देखिए सुपर ऑक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को खाली स्थान की उपचयन संख्या दी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी -1/2। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान सर्वाधिक कठोर ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक है, क्या हो जाएगा? सर्वाधिक कठोर जो है हीरा है और इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही अधिक होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान जल में अल्कली बनाने के लिए घुलता है, खाली स्थान जल में अल्कली बनाने के लिए घुलता है, तो पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए खाली स्थान अणु में कार्यकारी समूह के दोनों ओर भिन्न अल्काइल श्रृंखलाओं के कारण होता है, क्या? श्रृंखला समवयता, स्थिति समवयता, कार्यात्मक समवयता या फिर मध्यवयता, तो इसको मेटामेरिज में इंग्लिश में बोलते हैं मध्यवयता। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो यह अभिक्रिया क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जल से मिलता है H2O से और क्या बनाता है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो अभिक्रिया है ये संयोज हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया, अगर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए दो पदार्थ हैं और एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसी को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक पदार्थ टूट कर अगर दो पदार्थ का निर्माण करता है तो इसको वियोजन अभिक्रिया, जस्ट इसका उल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर एक यानी एकल उत्पाद बना रहा है, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी पे देखिए संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मकों के बीच आयनों का विनिमय होता है खाली स्थान अभिक्रिया कहलाता है। सेम यह भी देखिए उसी तरह का है, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया इस तरह से होता है, AB+BC है मान लो, और यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर ए जो है वो इसके साथ आ जाएगा,
एक सेकेंड यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे सी प्लस डी मान लेते हैं, तो ए जो है यहाँ सी के साथ आ जाएगा, ए सी प्लस यहाँ पे बी डी हो जाएगा। इस तरह से अभिक्रिया इसका इसके साथ हो जाता है और इसका इसके साथ, दोनों को, दोनों जो है आयनों का आदान प्रदान यानी विनिमय हो जाता है, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, दोनों एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एम एन ओ टू प्लस फोर एच सी एल यहाँ पर बनाता है एम एन सी एल टू प्लस टू एच टू ओ प्लस सी एल टू, इस अभिक्रिया में एच सी एल का उपचयन क्या है। हाँ यहाँ पे देखिए एक उपचयन और एक अपचयन, यानी कि एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोला है, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है यानी कि जुड़ता है, और या फिर हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि हाइड्रोजन घटता है। तो यहाँ पे देखिए एच सी एल, एच सी एल जो है यहाँ पे सी एल में यानी कि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, सी एल बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे देखिए सी एल। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि उपचयन और अपचयन टॉपिक है बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का योग होता है, रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है, सिंपल। और जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको मैं आप लोगों को याद करना है कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और जिसको मैं ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको मैं हाइड्रोजन का योग होता है, बस यही दो चीज़ आपको याद रखना है, बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इतना ही में क्लियर हो जाता है। बाकी हम आप लोगों को तो ANM GNM का फ्री में YouTube पर क्लास करा ही रहे हैं, तो बस आप लोग डेली YouTube का क्लास कीजिए, बाकी हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन आने वाला है वहीं से 2024 के एग्जाम में। तो देखिए अगला प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, इसको भी हम बतलाए हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी। सारा का सारा क्वेश्चन अब की बार जो 2024 में जितना भी क्वेश्चन आएगा ANM GNM में वो आपका K2 एकेडमी से ही आएगा। आप सभी लोग 100 में 100 यानी कि 90 क्वेश्चन तो सिर्फ साइंस का आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो साइंस में हम आप लोगों को बतलाते हैं कि 90 में लगभग आप लोग 85 प्लस करने वाले हैं, साइंस में 85 प्लस आप लोग का साइंस में होने वाला है। तो बस आप लोग कंटिन्यू क्लास को देखिए, डेली क्लास हो रहा है। देखिए यहाँ पर संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है वो CaC3 कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं संगमरमर। अगला क्वेश्चन है देखिए, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो इसका रंग खाली स्थान होता है, एक क्वेश्चन भी हम बतलाए हैं वहाँ पे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अभी तक लगभग 12 या 13 क्लास हुआ है और वहाँ पे आप लोग देखिएगा पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरह से क्लियर किया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा क्लास है। देखिए यहाँ पर बैंगनी होता है, जब विलयन अम्लीय और क्षारीय कुछ भी नहीं होता तो बैंगनी होता है, ऑप्शन नंबर डी बैगनी होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यह अभी पेज हल्का सा ब्लर है लेकिन हम यहाँ पे बोल देते हैं कि शक्तिशाली क्षार और क्षीण अम्ल यानी कि दुर्बल अम्ल के लवण अपनी प्रकृति में कैसा होता है। आप लोग यहाँ पे बताइए, एक शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है, और एक दुर्बल है, तो किसका प्रभाव ज़्यादा होगा, शक्तिशाली वाला का। तो यहाँ पे शक्तिशाली जो है वो क्षार है और जो ए है या अम्ल है तो क्षार ही ना होगा, यहाँ पे देखिए क्षार होगा, प्रकृति में क्षार आ जाएगा, प्रबल हो जाएगा क्षार। इसके बाद अगला है कि सोडियम कार्बोनेट खाली स्थान को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है, सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा को गर्म करके प्राप्त होता है और बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। यह अभी क्वेश्चन आता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है पूछ देगा, तो बतलाना है आप लोगों को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट का जो होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए होता है, यहाँ पे देखें खाली स्थान का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए धोने का सोडा का उपयोग होता है, धोने का सोडा यानी कि इसको वाशिंग सोडा भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, खाली स्थान जल के अणु कॉपर सल्फेट की एक सूत्रीय इकाई में मौजूद होता है,
तो यहाँ पे पांच अणु होता है, पांच जल के अणु होता है कॉपर सल्फेट में। CuSO4 इंटू 5H2O होता है कॉपर सल्फेट के अणु में। इसी तरह जिप्सम में पूछ देता है तो टू अणु होता है जिप्सम में, जिप्सम में टू अणु होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1094 उन्हें 10^-31 kg होता है, यानी कि किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ पे आता है ऐसा क्वेश्चन, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए इसके बाद नीचे आता है जीव विज्ञान के प्रश्न। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, और सबसे पहला क्वेश्चन है पौधे अतिरिक्त पानी से कैसे छुटकारा पाता है, श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, या फिर मलोत्सर्जन द्वारा। तो पौधा जो है उसको में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन। और आप लोग यहाँ पे बतलाते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो झारखंड ANM यानी कि JCECE के द्वारा लिया जाता है, एग्जाम झारखंड ANM और GNM का यह क्वेश्चन पेपर है, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, या फिर एमाइलेज। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अग्नाशयी रस है, इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अग्नाशय रस होता है इससे एक लाइपेज निकलता है, एमाइलेज निकलता है, और ट्रिप्सिन निकलता है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में अगर बोलता कि इनमें से कौन सा हार्मोन है, एंजाइम है, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि अग्नाशय से नहीं स्रावित होता है, तो पेप्सिन हो जाता है जो कि अग्नाशय से नहीं स्रावित होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पचाता है, तो प्रोटीन को पचाता है और ट्रिप्सिन है। और इसको आप लोग याद करने का एक ट्रिक जो है वो सिंपल सा, देखिए यहाँ पे ट्रिक है, आपको रखना है याद LAT, एल से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, और यहाँ पे जो प्रोटीन का पचाता है वो ट्रिप्सिन है, और लाइपेज जो है वो वसा का पाचन के लिए लाइपेज होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है, तो छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत एक ऐसा जगह है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो छोटी आंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान मानव शरीर में वायु कहाँ से प्रवेश करती है, नथुने, पेट, फेफड़े, या फिर गला। तो ये सभी लोगों को मालूम है कि जब श्वसन होता है तो जो वायु है वो नाक से प्रवेश करता है, नोस्ट्रल से प्रवेश करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए नथुने हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर जो है 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 है, बायोलॉजी का है। यहाँ पर देखिए शरीर में एड्रेनालाइन कैसे स्रावित होता है, तंत्रिका कोशिकाओं की क्रिया के माध्यम से, विशिष्ट मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से, या फिर अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त प्रवाह में, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा लसिका प्रणाली में। तो यहाँ पे जो एड्रेनालाइन है वह अधिवृक्क ग्रंथि से सीधे रक्त प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखें, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या भूमिका होती है। जो पेट है वहाँ पे अमाशय में HCl होता है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। HCl जो होता है इसका क्या भूमिका होता है, पेट में HCl अमाशय में HCl की क्या भूमिका होता है, तो जो HCl होता है यह एंजाइम गतिविधि के लिए एक अम्लीय माध्यम, अम्लीय वातावरण तैयार करता है। HCl एक अम्ल होता है, आप लोगों को मालूम नहीं है तो बतलाते हैं कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और HCl जो है वो अम्लीय वातावरण बनाता है वहाँ पर अमाशय में, अमाशय में होता है। इसके बाद देखिए और एक और बात यहाँ पर बतलाते हैं, अगर जो भोजन अमाशय से, अमाशय में अम्लीय होता है, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अमाशय जो है वहाँ पे अम्लीय होता है, और अमाशय के बाद छोटी आंत में यहाँ पे जब जाता है, छोटी आंत में जब जाता है तो वह क्षारीय हो जाता है, क्षारीय इसको बनाया जाता है,
छोटी आंत में क्षारीय होता है और आमाशय में अम्लीय होता है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अम्ल का पीएच मान कितना होता है और क्षार का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, यानी कि नीचे की ओर एरो इस तरह इसको दर्शाया जाता है। और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, 7 लिखना है और ऊपर की ओर एरो रहता है तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से ज़्यादा क्षार का होता है और अम्ल का जो है वो 7 से कम होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट्स के करीब होता है और उससे नियमित अंतराल पर ट्रोपोनिन वितरित होता है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है कि माता और पिता में से कौन मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। माता पिता या माता पिता दोनों के समान रूप में योगदान करते हैं या यादृच्छिक रूप से निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए यह जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, पहले भी आया हुआ है। माता और पिता में से जो बच्चे का लिंग निर्धारण करता है वो पिता का गुणसूत्र करता है। यहाँ पे देखिए जो माता में गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं, और पिता में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। और देखिए एक्स एक्स जो है एक्स एक्स जो गुणसूत्र है वह मादा में होता है, यानी कि माता में, यानी मादा, और एक्स वाई जो है वो नर में होता है। देखिए अगर जी यहाँ से तो एक्स आना ही आना है, या तो ए वाला एक्स आएगा या ए वाला एक्स आएगा, कोई भी आएगा एक्स ही आएगा, यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा कंपलसरी। लेकिन यहाँ पे देखिए या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा, कोई एक ही आएगा। अगर एक्स के साथ, अगर यहाँ पे देखिए एक्स के साथ अगर ये एक्स मिल जाता है, ए वाला एक्स मिल जाता है, तो यहाँ पे एक्स और एक्स हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा मादा यानी स्त्री। अगर यहाँ पे वाई मिल जाता है इस एक्स के साथ, अगर यहाँ पे वाई मिल जाता है तो यहाँ पे नर हो जाएगा, यानी कि जो पिता का गुणसूत्र है यही लिंग का निर्धारण करता है, यही लिंग का निर्धारण करता है पिता का गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी द फादर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है, बताइए यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है सभी लोग, जल्दी से बताइए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उप इकाई विश्राम अवस्था में एक्टिन फिलामेंट्स पर मायोसिन के लिए सक्रिय बंधन स्थलों को आच्छादित करता है। हैवी मेरोमायोसिन, लाइट मेरोमायोसिन, ग्लोबुलर एक्टिन या फिर ट्रोपोनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोनिन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की कितनी ऊर्जा ग्रहण की जाती है। तो 1% ग्रहण की जाती है, ऑप्शन नंबर डी 1%। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, और ए वाला जो पेज है वो ब्लर आ गया है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे आप लोग सुन लीजिएगा ध्यान से, ब्लर है यहाँ पे। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा को अंदर स्थानांतरित किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा को अंदर स्थानांतरित किया जाता है उसको पोषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी उसको न्यूट्रिशन या फिर पोषण उसको कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑटोट्रोप्स सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो वह प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। यहाँ पे बस आप लोग सुनते जाइएगा क्योंकि हल्का सा पेज जो है वो ब्लर हो गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103 है कि रक्त के अलावा परिवहन में शामिल द्रव का नाम क्या है। तो उसको लसिका कहते हैं, लसिका होता है। रक्त के अलावा परिवहन में जो शामिल द्रव है वो लसिका होता है, लसिका। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन नंबर 104 है कि वह द्रव्य माध्यम कौन सा है जिसमें कोशिकाएं रक्त से निलंबित रहती है, रक्त में निलंबित रहती है। तो वह प्लाज्मा, प्लाज्मा हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यह
क्वेश्चन है 105 और यही सिर्फ ब्लर है, इसके बाद नहीं है ब्लर। देखते हैं क्या है कि ऑक्सीजन के अलावा प्लाज्मा और क्या घुलित रूप में परिवहन होता है। तो ऑक्सीजन के अलावा जो है प्लाज्मा और क्या घुलित रहता है, तो आहार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होता है यानी उपयुक्त तो सभी होता है, ये तीनों होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखें, एक व्यक्ति से नई पीढ़ियों के निर्माण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर जो एक व्यक्ति से नई पीढ़ी का होता है, नई पीढ़ी बनता है, तो उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। अगर जो दो पीढ़ी से बनता है, यानी कि जैसे यहाँ पे नर और मादा दो जीव हैं, एक जीव यहाँ पे और एक जीव यहाँ से, इन दोनों से बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। जनन दो प्रकार के होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो एक ही व्यक्ति से बनता है उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं, और दो व्यक्ति से मिलकर बनता है उसको लैंगिक जनन बोलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग मादा प्रजनन अंग है, पुष्प का भाग मादा प्रजनन अंग है। तो यहाँ पे देखिए सेपल्स, पंखुड़ी, पुंग केसर या स्त्री केसर, तो इसका स्त्री केसर हो जाएगा जो कि मादा प्रजनन अंग है। पुष्प के किस भाग में बीजांड होते हैं, पुष्प के किस भाग में बीजांड होते हैं, तो यहाँ पे जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय के अंदर होते हैं, अंडाशय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृष्ण में होता है, वृष्ण में। और अंडाणु का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में कौन सा भाग शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान कौन करता है, तो वह शुक्राशय, शुक्राशय पोषण प्रदान करता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हृदय के कक्ष अलग अलग क्यों होते हैं, तो हृदय के कक्ष अलग अलग क्यों होते हैं, ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए, एक होता है शुद्ध रक्त और एक होता है अशुद्ध रक्त, इन दोनों को मिलने से रोकने के लिए, एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। शुद्ध रक्त क्या होता है, शुद्ध रक्त जो कि ऑक्सीजन युक्त होता है उसको शुद्ध रक्त होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है वह अशुद्ध रक्त होता है। बस यही होता है शुद्ध और अशुद्ध में, बाकी रक्त जो है वो सेम ही होता है, रक्त जो है वो सेम ही होता है, बस ऑक्सीजन एक में घुलित होता है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, यानी कि किस प्रकार की वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, यहाँ पे हृदय है इससे दूर यानी कि पूरे शरीर में ले जाती है, वह होता है धमनियाँ, धमनियाँ होता है, और पूरे शरीर से हृदय की ओर लाता है वह होता है शिरा, एक होता है सिरा एक होता है धमनी। सिरा जो है वो शरीर के हल्का सा मतलब ऊपर होता है, बाहर होता है, जो नस ऊपर दिखाई देता है वो सब धमनियाँ होता है, सिरा होता है, ऊपर जो होता है वो सिरा होता है, और जो अंदर होते हैं वो धमनियाँ होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानव में मूत्र उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, जिगर, पेट, गुर्दे या फिर फेफड़े, तो यहाँ पे हो जाएगा गुर्दे इसका आंसर, इसको किडनी बोलते हैं, किडनी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र में मूत्र का भंडारण कहाँ होता है, उत्सर्जन तंत्र में मूत्र का जो भंडार होता है वो मूत्राशय के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर सी, मूत्राशय के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपशिष्ट उत्पाद है जिसे गुर्दे द्वारा रक्त से निकाला जाता है, यानी गुर्दे यानी कि किडनी के द्वारा रक्त से किसको निकाला जाता है, तो यूरिया को निकाला जाता है, यूरिया को, UREA, यूरिया को निकाला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किन जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी स्तर से हो सकता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा या फिर लेशमानिया, तो यहाँ पर अमीबा से हो सकता है कोशिका विभाजन किसी भी स्तर से, यहाँ पे होता है या अमीबा, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी कैसे भी हो सकता है इसका कोशिका विभाजन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जब एटीपी में
टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज विभाजित होता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल निकलती है ऊर्जा, 30.5 किलो जूल पर मोल इसका ऊर्जा निकलती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, हाइड्रा जैसे जीव प्रजनन के लिए पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग कैसे करते हैं? हाइड्रा और मुकुलन के माध्यम से करते हैं, मुकुलन के माध्यम से इस तरह से यहाँ पे होते हैं हाइड्रा और यहाँ से बर्ड्स निकल जाते हैं, बर्ड्स निकल जाते हैं, इसी को मुकुलन बोलते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, एक लिंगी और उभयलिंगी फूलों में क्या अंतर है? एक लिंगी फूलों में या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, जबकि उभयलिंगी फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, एक लिंगी फूल में या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, कोई एक ही होता है, लेकिन उभयलिंगी फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है, यह बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रायो फिल्म की पत्तियों के किनारों के खांचों में उत्पन्न कलिकाएँ नए पौधे में कैसे विकसित होती है? तो नए पौधे में विकसित होती है कि वो मिट्टी में गिरते हैं और नए पौधे में विकसित हो जाती है। बाकी इसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बोलेंगे तो इसको भी सॉल्यूशन करा देंगे और आप लोगों को एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बतला रहे हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए इम्पोर्टेंट बात। अगर जी आप लोग ANM GNM का फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, ANM या GNM एंट्रेंस एग्जाम का फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो क्लास कंटिन्यू इसी चैनल पर हो रहा है, बस आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए, डेली आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास जिस तरह होने पा रहा है क्लास उस तरह रिकॉर्डेड या लाइव क्लास कराया जा रहा है, बस आप लोग डेली क्लास अटेंड, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो हम मैथ का भी सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे और इंग्लिश का भी लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।